आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। जैसे कुछ चीजें आप क्लास में नोट कर सकते हो, कुछ चीजें नोट नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स तो नहीं रखें उसके लिए, है ना। बस मेन काम क्या है कि आप लोग फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर, है ना, चीजों को समझने के ऊपर। अभी कौन है भैया, सख्त कदम उठा लेंगे हम, फिर क्या फायदा। तो सेकंड टाइप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहां तक सबको क्लियर था। टाइप नंबर टू, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनामेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। पहली टाइप थी हमारी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, उसमें कितने टाइप देखे थे हमने, पांच टाइप देखे थे, है ना। अब टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो जो काइनामेटिक पेयर है वो किस टाइप का होगा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, दो ही टाइप है बस, पहला आता है लोअर पेयर, ठीक है। लोअर पेयर क्या होगा, लोअर पेयर उसको बोलते हैं जहां दो एलिमेंट के बीच में क्या होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, दो एलिमेंट्स अगला कम सक्सेना क्या चाह रहे हो, जी सर। क्यों ऑन कर रहे हो माइक को बीच में, आपको अरे सर, वो सर पता है नेटवर्क सर प्रॉब्लम था, तो सर तभी सर 8:15 सर हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट हुआ सर। कोई नहीं, अपनी प्रॉब्लम आपकी है ना, उसे सबकी प्रॉब्लम नहीं बनाते। ओके सर, सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, ओके सर। टू एलिमेंट्स हैविंग क्या होगा, सरफेस कॉन्टेक्ट। अगर दो एलिमेंट है हमारे पास और दो एलिमेंट के बीच में अगर सरफेस कॉन्टेक्ट है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कि वो लोअर पेयर होगा, ठीक है। दूसरा होता है हायर पेयर। हायर पेयर क्या होगा, या तो दो एलिमेंट के बीच में कैसा होगा, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, या फिर होगा पॉइंट कॉन्टेक्ट। अब अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें हम, लोअर पेयर क्या होंगे, जो जो जहां जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे लोअर पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्लाइडिंग पेयर हैं सारे क्या होंगे, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है, वो सारे लोअर पेयर हैं। जो टर्निंग पेयर हैं वो भी लोअर पेयर है, टर्निंग पेयर भी कैसे हैं, लोअर पेयर। अब आप कहो से टर्निंग पेयर में तो एक ही पिन होती है, एक ही पिन है, लेकिन अगर आप देखो तो पिन के थ्रू जब ज्वाइन करते हैं तो दोनों के बीच में एरिया भी किस में आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टर्निंग पेयर को भी लोअर पेयर में ही रखते हैं, ठीक है। और एक हो गया हमारा स्क्रू पेयर। ये सारे पेयर हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, तो इन पेयर को हम लोअर पेयर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस कॉन्टैक्ट आ रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में। दूसरा हायर पेयर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कुछ टर्निंग भी हो सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन है जो टर्निंग पेयर्स होते हैं, जब पार्टली टर्निंग होगा और पार्टली क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लाइडिंग पेयर, तो वो आ जाएगा हमारा किसमें, हायर पेयर में आ जाएगा। जैसे पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस, पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क। अब आप कहोगे, जैसे आप लोग बाइक वगैरह चलाते हो, स्कूटी स्कूटी, तो आप लोग कभी देखते होगे कि जो क्लच प्लेट वगैरह होती हैं, है ना, या जो फ्रिक्शन जहां पे लगता है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से कंबाइन होती है, तो उनके बीच में कॉन्टेक्ट जो होता है वो लगता सरफेस है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, लाइनिंग्स बनी होती है उसके ऊपर इस टाइप से। और जब वो घिस जाती है तो आप जब सर्विस करवाते हो या किसी के पास लेके जाते हो, है ना, ठीक करवाने के लिए भाई, तो वो क्या कहता है, सर एक घिस गया है, है ना, जो लाइन कॉन्टेक्ट है वो खत्म होकर के वो क्या आने लग गया, सरफेस कॉन्टेक्ट आने लग गया, वो ठीक से काम नहीं कर पाती फिर। तो जनरली जो पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, हायर पेयर में होते हैं, वहां लाइन कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, जैसे टूथ गियरिंग होती है, गियर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें देखेंगे हम, अगर गियर्स आप लोगों ने देखे हो तो क्या होता है गियर्स में, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कई कैलकुलेशंस होंगी, उनको भी देखेंगे।
तो लगा आपको रहा होगा कि वो सरफेस कांटेक्ट होता है, लेकिन गियर्स पड़ेगी ना तब देखना, ठीक है? जस्ट क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होगा। बेल्ट और रोप हो गए लाइन कांटेक्ट, ठीक है? तो ये हायर पेयर्स में आ जाते हैं। बॉल एंड रोलर बियरिंग्स, बॉल बियरिंग में क्या होता है, जैसे एक बॉल अगर इसके ऊपर रखी है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ बीच में क्या कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है? अगर परफेक्ट स्फीयर है तो, जनरली इम्परफेक्ट मान के चलते हैं। और अगर रोलिंग पेयर है, अगर ये रोलर है पीछे की तरफ ऐसे निकला हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड के साथ में ये लाइन कॉन्टेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं बॉल बियरिंग हो चाहे रोलर बियरिंग हो, दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, हायर पेयर्स में। अभी ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट इनफॉर्मेटिव है ना, अगर ये आप लोगों के ध्यान में रहेंगी, इस तरह से कोशिश जारी है, तो आप लोग क्या करोगे कि इजिली उस चीज को पेपर में कर सकते हो। और SSCJ में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है? इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ऐसे आ जाते हैं। तो ये था हमारे टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट को लेकर के। तीसरा देखेंगे हम टाइप ऑफ क्लोजर को लेकर, कि दो एलिमेंट के बीच में किस टाइप का क्लोजर है, ओपन है या उसे जबरदस्ती क्लोज करना पड़ता है, ठीक है? जो थर्ड टाइप है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स की, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोजर के टाइप पे अगर हम बात करें तो क्या आएगा, जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर, क्या लिख रहा हूं मैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर वो होते हैं जैसे दो एलिमेंट है ना, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अपना फंक्शन कर लेंगे, हमें किसी एक एक्स्ट्रा फोर्स की या किसी दूसरे एक्सटर्नल एलिमेंट की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है? बाहर से हमें कोई एनर्जी या फोर्स नहीं देना। तो इसमें लिखवाया था आप लोगों को रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है? परमानेंट कॉन्टेक्ट रहेगा इसमें, सेल्फ क्लोज पेयर में मतलब कॉन्टेक्ट कभी अलग नहीं होगा, ठीक है? तो जितने भी लोअर पेयर आपने देखे हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं ना, उसमें लिख तो रखा ही है, जितने भी लोअर पेयर्स हैं हमारे पास, लोअर पेयर्स कौन से लोअर पेयर हैं, स्लाइडिंग पेयर हो, टर्निंग पेयर हो, चाहे स्क्रू पेयर हो। अब आप देखो अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है ना, तो अभी अगर मैं कहूँ कि ये इसके ऊपर अगर स्लाइड कर रहा है, आप अगर देखो ध्यान से तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को मेरे हाथ में, अगर ये क्या है, अब इस पे देखो स्लाइड करेगा, जितने भी स्लाइडिंग पेयर है वो क्या है, परमानेंट कॉन्टेक्ट रहेगा ना, बाय फोर्स ऑफ मतलब इसका चाहे मास हो या ना हो, तो भी कांटेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, फिर भी बच्चे आ ही रहे क्या, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे टर्निंग पेयर की बात करें हम, तो टर्निंग पेयर क्या होता है, जैसे टर्निंग पेयर की अगर मैं बात करूं, तो ये जैसे यहाँ पे क्या है, पिन लगी हुई है इस पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे इस टाइप से परमानेंट कॉन्टेक्ट ही रहने वाला है, ठीक है? स्क्रू पेयर हो गया, स्क्रू पेयर भी क्या रहेगा हमारा, परमानेंट कॉन्टेक्ट ही रहेगा। भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ हाँ जी सर, रही है ना, हाँ फिर ठीक है, आ रही है सर, यस सर, ठीक। बच्चे का मैसेज चैट पे आया मैसेज कि आवाज नहीं आ रही, तो भाई आप चेक करो जरा यार अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी, बाकी अगर ठीक नहीं है तो यहाँ तो जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो ठीक आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना, थोड़ी क्लियरिटी में आ जाएगी यूट्यूब पे फिर अगर आप देखोगे तो। तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर क्या है हमारे पास, जितने भी लोअर पेयर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेल्फ क्लोज्ड पेयर हो जाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या था, फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर का दूसरा नाम क्या है, ओपन पेयर भी नाम दे देंगे इसको अपन, मतलब परमानेंट कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा दो एलिमेंट के बीच में, ठीक है? अगर परमानेंट कॉन्टेक्ट बना के रखना है तो परमानेंट कॉन्टेक्ट किससे बनाएंगे हम, कौन है ये, यार छोड़ो, फोर्स क्लोज्ड पेयर जो है, तो फोर्स क्लोज्ड पेयर क्या होगा, जहां पे परमानेंट कॉन्टेक्ट जबरदस्ती बनवाया जा रहा है ना फोर्स तरीके से, जैसे कहां पर बनवाते हैं, कैम एंड फॉलोवर में। कैम एंड फॉलोवर में क्या होता है, जैसे ये कैम हो गया हमारे पास है ना, यहाँ पे इसको हमने कर दिया फिक्स, और यहाँ पे कोई फॉलोवर है, तो अभी मैं नाइफ एज फॉलोवर बना देता, तो फॉलोवर्स भी पड़ेंगे है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये देखो, ये इसमें रोटेशन हम इस टाइप से कराएंगे, तो ये नीचे होगा, ये इसको फॉलो करना है। अब इसको फॉलो ये कैसे कर पाएगा, या तो इसका वेट ज्यादा हो, ठीक है,
क्योंकि अगर इसका तेज मोशन होने लगेगा तो ये क्या है ना, बीच बीच में कॉन्टेक्ट छोड़ देगा इसके साथ। या फिर क्या करते हैं कि इसके ऊपर जैसे कैम एंड फॉलोवर, जो आईस इंजन में इनपुट और आउटपुट बॉल्स होते हैं ना, जो एक टाइमिंग के बाद बंद हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है इसी प्रिंसिपल का। तो ऊपर या तो हम एक स्प्रिंग लगा के रखते हैं ना, जिससे इसको ये दबा के रखे हमेशा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से, या कोई पर्टिकुलर लोड रख दिया हमने यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगाई, या फिर जो फॉलोवर है उसका वेट ही इतना ज्यादा था तो बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनका कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स क्लोज पेयर, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम काइनेमेटिक चेन की, ठीक है। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, काइनेमेटिक चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इन्वर्जन्स भी हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार है ना क्रैंक व्रैंक के नाम सुने होंगे, तो आज बार है ना आप लोगों को अगली क्लास में क्लियर हो जाएंगे कि क्रैंक रोकर क्या होते हैं। तो बस लेकिन एकदम से जंप तो कर नहीं सकते हम, तो बेसिक से ही चलते हैं। काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन क्या होती है कि जैसे हमारे पास काफी सारे लिंक, काइनेमेटिक चेन क्या है, अगर आप लोग कुछ पूछना मेरे से पूछो सीधे डायरेक्टली, ठीक है। काइनेमेटिक चेन क्या है कि अगर सारे लिंक को हम इस तरीके से कनेक्ट करें, ठीक है, कि पहला लिंक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और एट द एंड बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट लिंक होगा वो फर्स्ट लिंक से कनेक्ट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम काइनेमेटिक चेन। लेकिन ये काइनेमेटिक चेन तभी होगी जब ये हमें डिजायर्ड मोशन दे दे, मतलब कंस्ट्रेंड मोशन दे दे। कंस्ट्रेंड मोशन की बात हम पहले कर चुके हैं कि कैसा मोशन होगा, या तो सेल्फ कंस्ट्रेंड मोशन होगा या फोर्सफुली कंस्ट्रेंड मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन होगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन नेसेसरी कंडीशन ये है कि हमें डिजायर्ड मोशन मिलना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। कैसी चेन हो, लास्ट तो डिजायर्ड मोशन मिले, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है इसकी। डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी हुई है, अब जैसे कैसे ना समझ लो, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से होता है। जैसे यहां पर है हमारे पास ये एक फोर बार चेन है, ठीक है, तो ये जो लिंक है इसको हमने फिक्स करा हुआ है यहाँ पे, पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक और चौथा लिंक, ठीक है, ये चार लिंक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है कि एक जो लिंक है ये देखो, ये पहला हो गया, वो दूसरे से, तीसरे से, और जो लास्ट लिंक है वो फर्स्ट से कनेक्टेड है वापस। लेकिन क्या ये काइनेमेटिक चेन होगी, तो हम ऐसे चेक करते हैं। अगर देखो मैं इसको ऐसे मोशन दूं, ये टर्निंग पेयर है ना, ये तो फिक्स कर दिया हमने, तो इसका मोशन कैसे होगा, ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या होगा, ये हो सकता है कंप्लीट रोटेशन कर दे क्रैंक को, इनको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो यहां पर क्या होगा, देखो अगर इसको ऐसे मोशन दिया तो इसको सिर्फ इस वाले लिंक का सिर्फ एक ही मोशन मिल सकता है हम लोगों को, वो भी ऐसे ऐसे मोशन मिलेगा, रेसिप्रोकेशन है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा इसका, या रोकर बोलेंगे क्योंकि एक पॉइंट पर फिक्स है ना, तो ऐसे ऐसे ये वाली चेन कैसे हो जाएगी, ऐसे ये वाला लिंक ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा। ये हो सकता है फुल कंप्लीट रोटेशन करे या ना करे, तो उसके लिए कंडीशंस देखेंगे भी आगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पर हमें एक ही पॉइंट क्लियर है, वो ये है कि एक मोशन दूंगा तो मेरे को एक ही आउटपुट मिलेगा, मतलब डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा मेरे को, ठीक है, कोई दो मोशन नहीं मिलने वाले, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये काइनेमेटिक चेन है। लेकिन अगर एक ऐसे मान लेते हैं, मान लो पांच लिंक है हमारे पास, है ना, और पांच लिंक देखो इस तरीके से कनेक्टेड है, ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया ना ये, और जो ये फिफ्थ लिंक है इसको सीधा इससे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे हो गया मान लो, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये 1 2 3 4 एंड 5, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है, मैं कौन आ गया, दिक्कत है बच्चों को, 1 2 3 4 5, तो पांच लिंक है हमारे पास। अब इसमें भी देखो जो इसकी स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन है वो यही है ना कि पहला लिंक दूसरे से, दूसरा तीसरे, चौथा, और जो लास्ट का वो फर्स्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी कनेक्टेड है। लेकिन क्या ये काइनेमेटिक चेन होगी, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर उसको पता लगाएंगे। अभी आप यहाँ से इसको ऐसे इनपुट देके देखो, ऐसे घुमा के, तो ये पता क्या होगा, ये हो सकता है यहाँ से बैंड हो जाए, इसका मोशन अलग हो जाएगा और इसका मोशन अलग हो जाएगा, तो हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलने वाला।
हाँ एक कंडीशन है मेरे को दो दो इनपुट अगर मैं दूं इसको, यहाँ से भी एक इनपुट दूं और यहाँ से भी एक इनपुट दूं, दो दो इनपुट एक साथ देने पड़े तो मेरे को फिर यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, काइनामेटिक चेन नहीं होगी। काइनामेटिक चेन तभी होती जब हम एक इनपुट देंगे और एक ही हमें आउटपुट मिलेगा, डिजायर्ड मोशन मिलेगा, ठीक है, चाहे जैसे भी मिले। तो ये काइनामेटिक चेन नहीं है, नॉट अ काइनामेटिक चेन। क्लियर? तो आप लोग हर किसी उन एलिमेंट्स को ऐसे नहीं कह सकते कि जो एक क्लोज्ड साइकिल बना रहे हैं, मतलब क्लोज साइकिल बना रहे हैं, पहला दूसरे से, लास्ट वाला पहले से कनेक्टेड है, तो उन सबको हम काइनामेटिक चेन नहीं कह सकते। हम तभी कहेंगे जब उनमें क्या होगा, एक इनपुट देने पे एक आउटपुट हमें मिले, मतलब डिजायर्ड हमें आउटपुट मिलता रहे कंस्ट्रेंड मोशन पे। और एक और तरीका है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का तरीका है काइनामेटिक चेन बताने के लिए। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे हम, उसके बाद इसके बाद भी शुरू हो जाएगा वो, तो बताऊंगा मैं काइनामेटिक चेन पता कैसे लगाना है ना, बहुत जल्दी तरीके से लगा लेंगे पता, ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, काइनामेटिक चेन तो समझ में आया आप लोगों को, है ना। अब आता है मैकेनिज्म क्या होता है, चैप्टर का नाम ही है मैकेनिज्म, मतलब टॉम का दूसरा नाम ही होता है मैकेनिज्म एंड मशीन्स, ठीक है नहीं, पूरे टॉम में यही तो मिलता है हमें। इनपुट और आउटपुट सर नहीं समझे भाई, इनपुट होता है जो हम, आप कुछ भी अपनी तरफ से एक एफर्ट दे रहे हो, जैसे ऐसे समझो इसको, ठीक है। अभी ये मेरा हाथ में पेन सा दिख रहा है आप लोगों को, तो अब मैं एक इनपुट दे रहा हूँ इसको ऐसे नीचे वाला, और यहाँ पे इसको फिक्स करा हुआ है, मान लो टर्निंग पेयर से फिक्स करा हुआ है, तो ये इसका ये मोशन हो सकता है। देखो ये मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट यहाँ मिला मेरे को, ऊपर उठ गया। मैं अगर नीचे से इनपुट दूंगा ऐसे ऊपर की तरफ हो तो ये नीचे हो जाएगा। तो देखो मेरे को एक फोर्स लगाने के बाद डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट मीन्स जो हमें फाइनली रिजल्ट मिल रहा है, हम जो फोर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से, तो हम जो दे रहे हैं उसको वो इनपुट हो गया, जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट हो गया। काइनामेटिक चेन क्या होगी, जिसमें एक ही इनपुट देना पड़े और एक ही आउटपुट मिले, मैं कोई दूसरा मोशन ना मिल जाए हम लोगों को, है ना। जैसे कंस्ट्रेंट चेन, अगर आप लोगों को क्लियर हो, कंस्ट्रेंट चेन वही होती है जिसमें हमें सिर्फ एक मोशन मिलता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन जिसमें सिर्फ एक मोशन मिलेगा, चाहे वो सक्सेसफुली हो या फिर वो सेल्फ हो। तो अभी मैकेनिज्म की हम बात करने जा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, होती काइनामेटिक चेन ही है, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये हमारा फिक्स लिंक हो गया, और अभी जो पहले बनाया था ना मुझे ड्राइंग, उसी को ले लेते हैं। मान लो ये यहीं पे कोने पे कनेक्टेड है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसको मैं मैकेनिज्म बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने एक लिंक को फिक्स कर दिया इसमें, मैंने क्या करा है, एक लिंक को फिक्स कर दिया। अगर काइनामेटिक चेन के किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दें तो फिर क्या होता है कि वो एक मैकेनिज्म बन जाता है, हम कोई इनपुट देंगे और हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। मैकेनिज्म का यूज किस लिए किया जाता है, मैकेनिज्म जरूरी क्यों है, क्योंकि मैकेनिज्म क्या करता है, हमें या मोशन को ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है। काम क्या है मैकेनिज्म का, ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, या तो मोशन को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, या क्या करेगा, मोशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे कैसे करेगा, हो सकता है अभी मैं इन्वर्जन पढ़ाऊंगा तब देखना, रोटरी इनपुट देंगे हम तो हो सकता है हमें रेसिप्रोकेटिंग आउटपुट मिल जाए, ठीक है, या फिर उल्टा, रेसिप्रोकेटिंग दे और रोटरी इनपुट मिल जाए। अब जैसे फोर बार चेन का, या जैसे एक पर्टिकुलर फोर बार चेन के ऊपर ही है बीम इंजन, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जेम्स वॉट की, उसके बारे में पढ़ेंगे। बस मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता दूं, आप लोगों ने वो देखिए पहले के टाइम पे जो टेलर की जो मशीन आया करती थी, जिसको नीचे पैडल मारता था ऐसे ऐसे, ठीक है, क्या करता था वो, ऐसे ऐसे पैडल मारता, मतलब पैर से ऐसे ऐसे करता है नीचे, जो वो बीम सी होती है थोड़ी सी, है ना, और उसके बाद क्या होता है वो पहिया घूमता है और फाइनली ऊपर हमें क्या मिलता है कि वो ऐसे 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 मोशन मिल रहा होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा होता है, और उससे पहले बीच में क्या हो रहा होता है कि वो पूरा 360 डिग्री रोटेशन भी मिल रहा होता है व्हील का। वो किस टाइप का, तो देखा जाए तो वहां पे इनपुट हमारा रेसिप्रोकेटिंग था, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा था बीच में क्या मिल रहा था हमें, रोटरी, और फाइनली क्या मिल रहा था, जाने डल ऐसे ऐसे जा रही है, रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा था।
तो इस मैकेनिज्म ने क्या करा, उस मैकेनिज्म में जो सिंपल फोर बार था, उसने ट्रांसमिट करा रेसिप्रोकेटिंग को, रेसिप्रोकेटिंग को ट्रांसफॉर्म भी करा रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या है, जैसे आप लोग ऐसे समझ लो कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना किसी चीज का, कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मैकेनिज्म। अब आप लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के मन में कोई आइडिया है, उसे उसे लगता है कि यार मैं टाइम मशीन बना दूंगा, या पहले जेम्स वॉट के वो क्या नाम है उसका, एडिसन है ना जी, जिसने बल्ब बनाया था, उसके मन में आया था कि भाई मैं बल्ब बना लूंगा, या कुछ भी चीज है, तो एक आइडिया आया था, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए था। तो मैकेनिज्म एक तरह का क्या है, कॉन्सेप्ट है, मतलब आ तो गया आपको आइडिया, आपको चीज पता तो चल गई, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है, उससे आपको डिजायर्ड आउटपुट कैसे लेना है, पावर कैसे लेनी है, अपना काम कैसे करवाना है उससे। ठीक है, तो वो उसे कहते हैं मशीन। क्या बोलेंगे उसको, मशीन बोलेंगे हम। ठीक है, अपना काम निकलवाना है एक तरह से। और सबसे सिंपल जो मशीन है वो क्या होता है, वो मैकेनिज्म ही होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट वगैरह कुछ होंगे नहीं, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी मशीन की वो मैकेनिज्म ही होगा, बाकी और कंपोनेंट वगैरह मिलाते चले जाते हैं। और मशीन क्या होती है, जैसे पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन भी क्या है, रोटरी मोशन को ऐसे कन्वर्ट करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, है कि नहीं। जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है आपके, वो भी यही काम करते हैं। जो शेपर होते हैं, स्लोटर होते हैं, वो भी क्या काम करते हैं, पहले फटाक से कट करते हुए जाएंगे और क्विक रिटर्न करते हुए वापस आएंगे, तो वो भी क्या एक तरह का मैकेनिज्म ही है, तो उनकी भी बात कर लेंगे हम, है ना। तो अभी तो ये समझाने के लिए था कि मैकेनिज्म क्या है, और बात करें अगर मैकेनिज्म के, तो एक अगर हम कहीं कोई बोलता है ना सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, तो सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, यही सिंपल मैकेनिज्म जो फोर लिंक से मिलकर बना होता है, जनरली फोर बार चेन को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल मैकेनिज्म, क्योंकि सबसे पहला मैकेनिज्म यही बना, सबसे ईजी सबसे सिंपल है ना। दूसरा होता है कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म विद मोर देन फोर लिंक्स, चार से ज्यादा लिंक हो जाएंगे तो हो जाएगा कंपाउंड मैकेनिज्म, और लिंक बढ़ाते जाओ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, है ना। और मैकेनिज्म ने तो ट्रांसमिट करा, ट्रांसफॉर्म करा मोशन को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने तो क्या होगा, हम कोई इनपुट एनर्जी देंगे या पावर देंगे, तो उस इनपुट एनर्जी या पावर से हमें आउटपुट डिजायर्ड पावर मिलेगी या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास मशीन हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप लोग ये डिफरेंस समझ चुके हो मैकेनिज्म और मशीन का क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हमें पावर ट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें क्या चाहिए होती है, मशीन, और जस्ट मोशन ट्रांसमिट करना या ट्रांसफॉर्म करना तो मैकेनिज्म। सबसे सिंपल मशीन को हम मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ पेयर्स और जॉइंट्स, तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। पेयर्स या फिर जॉइंट, किस टाइप के पेयर होते हैं, ये जॉइंट होते हैं, कुछ होते हैं बाइनरी जॉइंट। बाइनरी का मतलब पढ़ते हुए आइए वो आप, है ना, बाइनरी मतलब दो होते हैं, बाई मतलब टू ही होता है, बाइनरी जॉइंट मतलब बी से लिख देंगे हम जहां भी कैलकुलेशन करेंगे, जहां पे लिंक कनेक्टेड है दो एक ही पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे नहीं है कोई एक अलग लिंक है और उस पर दो लिंक कनेक्ट कर दिया एक इधर और एक इधर, और आपने बोल दिया कि भैया बाइनरी, अब यहाँ पे दो बाइनरी जॉइंट है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ही है, दो लिंक जैसे एक पॉइंट पर कनेक्टेड हो, क्या होगा, बाइनरी जॉइंट। सेकंड अगर बात करें, टर्नरी जॉइंट होता है, टर्नरी जॉइंट क्या है, जहां पे एक ही पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां तीन लिंक कनेक्ट हो जाए, ये हो गया टर्नरी जॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो आपको ऐसे मिलेगा, देखो 1 2 3 ये तीन लिंक है, तो 1 और 2 भी कनेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, और 2 और 3 भी कनेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये देखा जाए तो जो 1 टर्नरी जॉइंट है हमारे पास वो किसके बराबर है, 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर है। ठीक, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी जॉइंट्स क्या है, चार लिंक कनेक्ट हो जाएंगे और क्या है। आप लोग मेरी वीडियो है इसी पर ही, तो उसमें देखोगे तो वहां पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है, यहाँ नोट्स में नहीं है वो, वहां मिल जाएगा आपको, मैं अभी बता ही देता हूँ क्लास में भी। क्वार्टरनरी जॉइंट पे क्या हो गया, हमारे पास चार लिंक कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब
अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो आप लोग देखो एक ऑब्जर्वेशन अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जितने भी लिंक कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो कितने बाइनरी ज्वाइंट के बराबर है। मैं ऐसा कह दूं कि अगर 6 लिंक कनेक्टेड है एक पॉइंट पे, इफ 6 लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट, कहने की बात है ना, 6 लिंक आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट, तो अगर 6 लिंक कनेक्टेड होंगे एक पॉइंट पे, तो आप बताओ वो कितने बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होंगे। 3 बाइनरी ज्वाइंट क्यों होगा भाई, 3 क्वार्टरनरी ज्वाइंट किसके बराबर हो गया, 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो गया ना। एक 1 और 2 के बीच का बाइनरी, एक 2 और 3 के बीच का बाइनरी, एक 3 और 4 के बीच का बाइनरी। 1 तो कनेक्टेड है ही ना पहले से, यस सर, तो 1 और 4 को थोड़ी ना कनेक्ट कर देंगे हम। तो क्वार्टरनरी मतलब 4 है तो 3 बाइनरी ज्वाइंट मिले, 3 है तो 2 मिले, ठीक है। तो 6 लिंक अगर कनेक्टेड है किसी पॉइंट पे, तो हमें बाइनरी 5 मिलेंगे, 5 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर, ठीक है। तो इसको मोर जनरलाइज्ड, बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं भाई कई बच्चों ने चैट में, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये बहुत डिसिप्लिन वाली बात है कि आप आंसर कर रहे हो तो वहां पे कर दे रहे हो, है ना। तो 6 लिंक, तो हम यहाँ पे एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट में क्या कह सकता हूँ कि इफ एन लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट, जस्ट ऑब्जर्वेशन थी, इफ एन लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट, बस ठीक है भाई आंसर मत दो, मैंने बता दिया। इफ एन लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट, देन इट इज इक्विवेलेंट टू एन माइनस वन, हाँ बिल्कुल सही, इट इज इक्विवेलेंट टू एन माइनस वन बाइनरी ज्वाइंट्स। ये पता है शायद आपके एसएससी जेई में भी आया हुआ है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो वही है, देखो बेसिक चीजें होती हैं ये चीज, ये एग्जाम है ना मुश्किल नहीं होते, सही बताऊं तुम्हें, बस बेसिक हमारे वीक होते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत आती है निकालने करने में ना, या और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते होंगे सबकी लाइफ में होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। मेरा काम है आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनाना। तो अभी हम बात कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। भाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नाम से किस किस बच्चे को डर लगता है, 11 12th में कोई रहा हो या कभी फर्स्ट ईयर में उसने पढ़ा हो, है ना। शॉर्ट में क्या लिख देंगे अपन इसको, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DOF लिख देंगे, या इसको मोबिलिटी नाम भी दिया जाता है। मोबिलिटी मतलब मोशन कर सकता है कि नहीं और कितने मोशन कर सकता है, वो क्या हो जाएगी, जितने मोशन कर पाएगा वो हो जाएगी उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जैसे मान लो मेरे पास एरोप्लेन है, है ना, उड़ रहा है भाई हुआ मैं एरोप्लेन। अब एरोप्लेन के साथ क्या होगा, एरोप्लेन क्या क्या मोशन कर सकता है बताओ आप लोग, आगे जा सकता है, उड़ता हुआ एरोप्लेन है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्या, ऐसे ऐसे देखो ना सामने क्या एरो, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसा होता है ना, देखा ही होगा आप लोगों ने, और क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे भी होता है, और जब उड़ता है तो ऐसे होता है और आता है लैंडिंग करता है तो इस टाइप से होता है। मोशन देख रहे हो आप कितने हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो मोशन हो रहे हैं इस एरोप्लेन के, अब मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूं यार, दिक्कत यहाँ पर। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल चाहिए होंगे। अगर मैं 2D की बात करूं, मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, सिर्फ 2D है हमारे पास, पेपर है, क्या किसी पेपर के ऊपर आप उड़ा सकते हो, है ना। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, चलो ये है मेरे पास, ठीक है, तो कोई भी प्लेन पेपर है तो उसमें एरोप्लेन का क्या क्या मोशन हो सकता है अगर ये प्लेन पेपर ही होगा। तो देखो एरोप्लेन या तो ऐसे ऐसे हो जाएगा इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब ना तो ये अंदर की तरफ जा सकता प्लेन के, ना बाहर की तरफ आ सकता, क्योंकि इसमें तीसरा एक्सिस था ही नहीं जेड, अब तीसरा एक्सिस भी डाल दिया। अब प्लेन के क्या क्या मोशन होंगे देखो जरा, जो ये एक्सिस है ये वाला, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस वाला। तो इस एक्सिस के अबाउट में क्या हो सकता है, आगे जा सकता है, आगे जाने को क्या बोलते हैं, आगे पीछे जाना, ट्रांसलेटरी मोशन, आगे या पीछे जाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। हम लोग कैसा मोशन करते हैं, आप लोग बाहर मार्केट जाते हो, घूमने फिरने जाते हो,
कुछ भी करते हो तो कैसा मोशन होता है? रोटरी मोशन करते हो क्या? नहीं, लुढ़कते लुढ़कते नहीं, कैसा मोशन करते हैं? हम ऐसे जाते हैं सीधे, तो हम ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं बेसिकली। अब इस एक्स एक्सिस के अबाउट में ये इसका एक तो ऊपर नीचे हो सकता है ऐसे ऐसे, और आगे जा सकता है, तो कितने मोशन मिले? दो तो एक्स एक्सिस में ही मिल गए अपने को, तो मैं कह सकता हूँ एक ये वाला और एक ये वाला, रोटेशन भी हो रहा है इसका, ठीक है। अब जेड एक्सिस के अबाउट में अगर मैं बात करूं तो जेड एक्सिस में भी क्या होता है, ये उधर भी तो जा सकता है ना, दूसरी साइड अंत पेपर के अंदर, या जेड एक्सिस की तरफ बाहर भी आ सकता है, हमारी तरफ 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी ट्रांसलेटरी तो होगा ही होगा। साथ में क्या होगा, जेड के अबाउट में रोटेट करेगा। अब देखो जेड एक्सिस क्या हो गया, दिखाऊं ये, अब जेड एक्सिस के अबाउट में कैसे करेगा? अच्छा एक चीज क्लियर कर लेना यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस के अबाउट में नहीं हो रही थी पिचिंग, ठीक है, आप लोगों ने पूछा भी नहीं, ये पिचिंग है ना एक्स एक्सिस के अबाउट में, ये जेड के अबाउट में, ऐसे समझ लो इसको। देखो मैं एक बार आप फिर क्लियर कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन ना हो तो, ये है हमारे पास है ना, यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है, अब इसका ये एक्स एक्सिस ही है ये वाला। अब ये कैसा मोशन कर सकता है? आगे जा सकता है, ट्रांसलेटरी एक हो गया, ऐसे करेगा मोशन, तो फिक्स्ड एक्सिस कौन सा हो गया? ये वाला हो गया ना जो आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला, इसके अबाउट में ये वाला, तो दो मोशन ऐसे हो गए इसके, एक जेड में रोटरी हो गया। तो आप लोग इसको ट्राई करना, अगर दिक्कत होगी तो पूछ लेना। तो एक्स में, जैसे एक्स में ट्रांसलेटरी हुआ, जेड में रोटरी हुआ, ऐसे ही जेड में ट्रांसलेटरी होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस के अबाउट में ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, तो हर एक एक्सिस में एक ट्रांसलेटरी है और एक रोटरी है, आप ट्राई कर लेना इसको, है ना, इसको नहीं वैसे एक्सप्लेन करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, अगर दिक्कत होगी तो अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक एरोप्लेन की देखा जाए, या फिर यहाँ पे काइट अगर होता, तो इनकी पोजीशन को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो, मैं क्या कहूंगा, एक्स एक्सिस में इतना, वाई में इतना जाओ, और जेड में इतना आगे आओ या पीछे जाओ, तो मुझे तीन तो वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा मेरे को रोटेशन को शो करने के लिए तीन वेरिएबल और चाहिए, एक एक्स एक्सिस के अबाउट में, एक वाई और एक जेड के में, तो तीन और चाहिए मेरे को। तो यहां पर मिनिमम वेरिएबल कितने चाहिए इसके सारे मोशंस को या इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए? हमें 6 चाहिए, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 6। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसकी? 6। इसी को मोबिलिटी भी बोल देते हैं, 6 मोशन कर सकता है ये, इनकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे हम। अब बारी आती है रीस्ट्रेंट की, कि रीस्ट्रेंट क्या होते हैं, रीस्ट्रेंट या दूसरा नाम क्या बोल देते हैं इनको हम, कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट किसकी वजह से आते हैं? आप लोगों से मैं अगर कहूं कि मान लो आप अपनी लाइफ में अभी फिलहाल अकेले हो, है ना, कॉलेज वॉलेज गए, हॉस्टल में रहे, तो वहां ना तो मम्मी पापा का डर है, ना कोई और चक्कर आप लोगों का, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रेंट था? कुछ नहीं था ना, तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम थी उस टाइम, 6। आप घर पर आ गए हो, या किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह बनी हो, या कुछ और हुआ, तो अब उसने उसके ऊपर क्या करे, रिस्ट्रेंट डाल दिए, है ना, मतलब उसने रोका टोकी करनी शुरू कर दी, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, तो अब उसे कहते हैं रीस्ट्रेंट, ठीक है, कि जो आपके मोशन को बदल दे, मतलब रीस्ट्रेंट मतलब कि होने ना दे कुछ पर्टिकुलर मोशंस को, उनको बोल देंगे हम क्या, रीस्ट्रेंट्स या कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इनके होने की जो वजह है वो है, वजह क्या है, पेयर, पेयर होना, अकेला एरोप्लेन है या अकेली काइट, क्या दिक्कत है उसको भाई, कुछ भी मोशन करे, आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, चाहे बाएं जाए, कोई भी रोटेशन करे, तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 6 से ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती नहीं है, मतलब हम मैकेनिकली कितने भी सिस्टम डेवलप कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, जो हमारा हाथ होता है ना, हाथ ये, इसकी देख अगर आप देखो तो इसकी इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। आज तक हम हाथ के लिए, जो हाथ को बोलते हैं एंड इफेक्टर, जब रोबोट वगैरह बनाते हैं उस केस में क्या बोलते हैं इसको, एंड इफेक्टर बोलते हैं, तो हम 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से ज्यादा का एंड इफेक्टर भी नहीं बना पाए हैं अभी तक, ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है 6, और किसी की भी निकालनी हो तो हम देख लेंगे कि कितने मोशन को उसने कंट्रोल कर दिया, मतलब होने ही नहीं दिया किसी पेयर ने, किसी पेयर की अगर निकालनी, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी हमारे पास, 6 माइनस रीस्ट्रेंट, जितने भी रीस्ट्रेंट आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। रिस्ट्रेंट होने की वजह क्या है, पेयर होना, जॉइंट होना, है कि नहीं, अकेला रहेगा तो 6 के 6 कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर पेयर बना लिया किसी के साथ भी, तो पेयर होना ही रिस्ट्रेंट है। लाइफ में आगे बढ़ना है आप लोगों को, तो रिस्ट्रेंट होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं,
या हो तो ऐसा हो जो सपोर्ट करे। तो कहने का मतलब वही है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फुल है तो सही यूटिलाइजेशन किया जाए उसका, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि पर्टिकुलरली किसी मोशन, आपका कोई मोशन है कोई रोक तो रहा नहीं है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे बैठने का हो, कहीं जाने का हो, घूमने का हो, फिरने का हो। रिस्ट्रेंट अगर लगा दिया आपने, प्रेयर बना लिया आपने, तो कम चांसेस हो जाते हैं, है कि नहीं? तो कहने की बात यही है कि अगर कोई पूछे या क्वेश्चन आ जाए कि रिस्ट्रेंट का कोज क्या है, व्हाट इज द कोज ऑफ रिस्ट्रेंट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स, तो वो क्या, पेयर, पेयर होना ही इसका कोज है। पेयर नहीं होगा तो 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो अब हम तो देखो मैकेनिज्म के ऊपर कंसेंट्रेट करने वाले हैं। मैकेनिज्म कैसे होते हैं, अपने पास मैकेनिज्म होंगे 2 एक्सिस में, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस, बस तीसरा तो होगा नहीं, है ना, मैकेनिज्म कुछ भी हम देखेंगे अभी आगे चल के। तो अपने को सिर्फ 2D प्लेन की जरूरत पड़ेगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। अब जेड एक्सिस तो हट गया ना पहले ही, 2D प्लेन में अगर मान लो मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है तो क्या क्या मोशन हो सकते हैं इसके, ठीक है, इस प्लेन में। एक तो ऐसे मोशन हो सकता है लाइक दिस, एक आगे पीछे हो सकता है, और ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना भाई, एक्सिस में ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी हो सकते, तो 3 मोशन हो सकते हैं। तो 2D प्लेन में कोई भी मैकेनिज्म है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी। मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे पास, 3। 3 से ज्यादा मैक्सिमम, 3 से ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकती है 2D प्लेन में। मतलब कोई भी मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा पेपर में तो 3 से ज्यादा मत निकालना, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड आता है हमारे पास, वो वर्ड आता है कि टर्निंग पेयर का, नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना, सीक्वेंस खराब हो जाएगा। एक और दो लिंक है, ये बना लिया पेयर, कैसा बनाया, टर्निंग पेयर बनाया। अब इसके पास क्या कर सकता है ये बेचारा, रीस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो एक लिंक को फिक्स करेंगे ये अपन, तो ये दूसरा लिंक जो है वो सिर्फ इतना काम कर सकता है कि इसके अबाउट में रोटेट कर सकता है ये, ना तो इसको छोड़ के कहीं जा सकता, ना ऊपर जा सकता, नीचे जा सकता, ना साइड में, ठीक है, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा सकता। तो सारे मोशन कंट्रोल हो गए, सिर्फ एक ही मोशन बचा है इसका, सिर्फ ये वाला। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारे पास, 5 रीस्ट्रेंट लग गए इसके पास, अगर 3D की बात करें तो, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया ना, पेयर ही है जो इसको आगे बढ़ने से, है ना, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा होने से रोक रहे हैं, ओके। 2D प्लैनर मैकेनिज्म बताई दिया आप लोगों को, क्या होगा, एक तो रोटरी मोशन होगा और 2 ट्रांसलेटरी, एक लेफ्ट राइट और एक अप डाउन, ठीक है। तो 2 ट्रांसलेटरी, एक रोटरी, तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 2D प्लैनर मैकेनिज्म के, 3 हमारे पास हो सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास आती है एक इक्वेशन जिसका नाम है कुर्ट्जबेक इक्वेशन, इसका यूज करेंगे अपन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। कुर्ट्जबेक इक्वेशन क्या कहती है कि f, व्हाट इज f, f इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितना होगा ये, 3L-1-2J-H, ये है कुर्ट्जबेक इक्वेशन। यहाँ पे एल क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिंक होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट, और एच होते हैं हायर पेयर, एच पी लिख देता हूँ, ठीक है। हायर पेयर क्या, जिनका पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है लाइन कॉन्टेक्ट, उनकी कैलकुलेशन अलग से करी जाती है। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, 1 हायर पेयर हमेशा 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है, 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट, ठीक है। तो हम जब भी निकालेंगे किसी सिस्टम की, अपन ये कुर्ट्जबेक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसके साथ में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लिंक होते हैं भाई हमारे सिस्टम में, वो लिंक ऐसे होंगे कि उनको कुछ भी मोशन कराओ आप, एक मोशन ऐसा होगा उनका जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के मोशन को कोई असर ही नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लिंक, ठीक है, कि उस लिंक की रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। Redundant degree of freedom, ये कब माना जाएगा, इसको लिखेंगे अपन FR से, जब ये होगा कहीं पे तो जो कुर्ट्जबेक इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी हमारे पास। कुर्ट्जबेक इक्वेशन क्या हो जाएगी, मॉडिफाई, क्या बन जाएगी, F is equal to
3l minus 1 minus 2j minus h and minus f are number of link which has the redundant degree of freedom. उनको हम लिंक में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? आया समझ में? अच्छा, एक होता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक होता है हमारे पास लिंक विच इज रिडंडेंट. दोनों चीजें अलग अलग है. देखो, जो लिंक रिडंडेंट होता है वो काउंट नहीं करा जाता, जिसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको काउंट कर लिया जाता है. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, ये है इस टाइप का, यहाँ पे ये ऐसे मान लो ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन जो मैं बनाऊंगा अभी वो स्ट्रेट लाइन रहेगी बिल्कुल. ये लाइन स्ट्रेट है तो क्या इस स्ट्रेट लाइन का मोशन इसके अंदर ऐसे ऐसे हो सकता है बिना लिंक वन को टू को थ्री को, वन टू फिक्स को वन मानते हैं जनरली अपन, थ्री फोर ये चार लिंक है. तो इस लाइन का मोशन देखो ऐसे ऐसे हो सकता है. ऐसे ऐसे होगा तो ना तो लिंक टू को कोई फर्क पड़ने वाला, ना फोर को और ना वन को. जिस लिंक को मोशन दे रहे हैं सिर्फ उसी को फर्क पड़ रहा है. हमें मिल क्या रहा है इससे? कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है. तो क्या बोलेंगे हम इसको कि ये जो लिंक है ना, इस लिंक के पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ठीक, तो यहाँ पे एफ आर जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वन. बात समझ में आई? इसके मोशन का इन दोनों लिंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. डेफिनेशन में यही लिखवाया गया है आप लोगों को. तो इस लिंक को हम क्या बोलेंगे कि इसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ रिएक्शन अगर कर देंगे खत्म यार, है ना? पढ़ाने का फ्लो कभी कभी बनता है, आपको पता ही है. तो कर रहे हैं बस खत्म, ठीक है? इसके आगे अगली क्लास में पढ़ाएंगे, नोट्स तो हैं आप लोगों के पास में. तो जो लिंक जिसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या हो जाएगा, एफ आर की जगह आ जाएगा. तो फॉर्मूले में एफ आर है ना, यहाँ पे वन लिख देंगे. लिंक कितने यहाँ पे, चार ही है हमारे पास. एक दूसरा लिंक होता है जिसे रिडंडेंट लिंक ही बोल देते हैं, उसके पास रिडंडेंट डिग्री नहीं होती, उसे क्या बोल देते हैं अपन, रिडंडेंट लिंक बोल देते हैं. आप लोगों को 10 पेज तक ही नोट्स मिले हुए हैं तो उसके बारे में जो नोट्स हैं वो 11वें नंबर से हैं, ठीक है? कल टॉम का दिन है ही नोट्स मिलने का आप लोगों को, तो कल सुबह 10 बजे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे. आप अपनी प्रिपरेशन करो, ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दी जाएगी. जो बच्चे क्लास में बाद में आए हैं उनके लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लास्ट में रख दिया है. मैं बता देता हूँ अपने बारे में, मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं 10 सालों से पढ़ाई रहा हूँ बच्चों को. भी मैंने बीटेक करी हुई है, उसके बाद मैंने एमटेक करी है. गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 161 थी. तो आप लोग बने रहो, पूरी कोशिश है आप लोगों को है ना अच्छे मार्क्स दिलाने की. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, कोई नहीं रोक पाएगा यार आप लोगों को, है ना? बस आज की क्लास की एक बात ध्यान रखनी है ना, क्या थी आज की क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात? पेयर नहीं बनाना. क्या? पेयर्स नहीं बनाने है कि नहीं? पेयर बनाओगे आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो जाएंगे और कम से कम चीजें कर पाओगे. अक्षय क्या कहना चाह रहे हो आप? ये टॉपिक कराया है दोबारा रिपीट करना जी. कौन सा? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. अच्छा सिर्फ यही ना, मेरे को लगा पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम करवाओगे रिपीट यार. नहीं नहीं सिर्फ यही. ठीक है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई लिंक ऐसा जिसके मोशन से हमारी जो चेन है या हमारे पास जो सिस्टम है उसके किसी मोशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको मोशन देते रहो आप. अब इस क्वेश्चन में इस लिंक को मैं ट्रांसलेटरी मोशन दे दूं या इसको रोटरी दे दूं, ये घूमता रहेगा, बदले में मैं कुछ नहीं देने वाला ना. ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे ट्रांसलेटरी, तो भी हमें क्या देगा, कोई आउटपुट नहीं देने वाला. तो मैं क्या कहूंगा, जो लिंक नंबर 3 है ना, इसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है. इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर. लेकिन अगर जो रिडंडेंट लिंक होगा वो अगली क्लास में बताऊंगा. देखो रिडंडेंट लिंक क्या होता है ना, क्योंकि एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर समझ में आएगा. ठीक, रिडंडेंट लिंक. और ये वाला लिंक कौन सा है कि इसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको माइनस कर देंगे हम जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे हमारे उसमें से, मतलब मॉडिफाई कर देता है ये पुट्स बैक इक्वेशन. आया समझ में? अभी रिडंडेंट लिंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान रखना. मैं कर रहा हूं उस लिंक की बात जिसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है. द लिंक विच हैज द रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है,
रिडंडेंट लिंक की बात अगली क्लास में करेंगे अपन। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? तो हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है आप लोगों से? तो मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी को भाई। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू। पेयर्स वाली बात याद रखना है, ठीक है ना? कामयाब। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय।